और ये अच्छा लुक देता है बैक से इस बाइक को। इंडिकेटर्स आप देख पा रहे होंगे एलईडी में ही मिल रहा है, और टेल का पोर्शन जो है वो थोड़ा बाहर के साइड में एक्सटेंडेड है। पावर फिगर्स भी अच्छा मिल रहा है, माइलेज भी आपको अच्छा डिलीवर कर देगा, साथ के साथ लुक्स भी आप देख पा रहे होंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप भी कम बजट में एक यहाँ पे 160 सेगमेंट की बाइक परचेस करने का प्लान बना रहे थे और आपको अच्छे लुक्स के साथ अच्छे फीचर्स भी चाहिए, तो आप आज की इस वीडियो को देख लें। आज हमारे साथ यहाँ पे प्रेजेंट है ऑल न्यू हीरो की एक्सट्रीम 160R, जो कि काफ़ी अच्छे लुक्स में आपको कंपनी ऑफर करती है। और 2022 में फ्रेंड्स ये मॉडल आपको देखने को अभी मिलेगा, और ये फ्रेंड्स एक बजट ऑफरिंग है यहाँ पे हीरो की तरफ से 160 सेगमेंट में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसका जो प्राइस है फ्रेंड्स वो आपको 1,14,180 रुपीज़ के अप्रॉक्स में मिलता है एक्स शोरूम, और इसमें 5,000 रुपीज़ का जो है वो अभी डिस्काउंट्स भी चल रहा है, एक्सचेंज और लॉयल्टी बेनिफिट्स। तो आप चाहें तो शोरूम में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस डिस्काउंट के लिए। और ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं तुलिका हीरो पचंबा गिरिडीह में, तो गिरिडीह एरिया से बिलोंग करते हैं, तो शोरूम में आ सकते हैं आप डिस्काउंट्स के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारे 4 लाख सब्सक्राइबर्स जल्दी से कंप्लीट करवा दें, क्योंकि आपकी जो भी डिमांड रहती है वो वीडियोज़ हम लेकर आते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इस बाइक के लुक्स के बारे में। तो लुक्स जो है वो फ्रेंड्स आपको काफ़ी मस्कुलर मिलता है इस बाइक में, और यहाँ पे कंपनी जो है आपको फ्रंट में फुली एलईडी लाइट्स का सेटअप यहाँ पे प्रोवाइड करती है। फुली एलईडी लाइट्स मतलब ये आप देख रहे होंगे, ये भी आपको एलईडी में मिल जाता है, हाई बीम लो बीम दोनों ही, और डीआरएल्स भी एलईडी में मिलता है। कंपनी इंडिकेटर्स भी आपको इसमें एलईडी में प्रोवाइड करती है, और फ्रंट में यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक फोक्स के साथ रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल रहा है। रिम टेप्स का यूज़ किया गया है रेड कलर से, जो कि देखने में अच्छा लगता है। और MRF के यहाँ पे टायर्स आपको कंपनी ऑफर कर रही है 100x80 का 17 इंच का। और ये जो है फ्रंट सिंगल चैनल ABS के साथ आ जाता है। फ्रंट का फेंडर जो है वो आपको डिज़ाइन के साथ कंपनी ऑफर करती है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइनिंग वर्क किया गया है जिससे कि बाइक मस्कुलर लगती है फ्रंट से देखने में। टेलीस्कोपिक फोक्स आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स काफ़ी थिक है, और यहाँ पे आपको ट्विन पिस्टन कैलिबर्स देखने को मिलता है। ABS की बैजिंग मिलती है, 276mm का डिस्क ब्रेक्स का यूज़ किया गया है फ्रंट में, और इसमें फ्रेंड्स आपको डुअल डिस्क ब्रेक वाला भी वेरियंट मिल जाएगा। अभी फिलहाल में आपको हम सिंगल डिस्क ब्रेक वाला वेरियंट दिखा रहे हैं। तो इसके इंजन की अगर बात करते हैं तो 163cc का इंजन का यूज़ किया गया है, जो कि प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन के साथ आता है। और इसका जो पावर फिगर से वो यहाँ पे 15 BHP के अप्रॉक्स में है, 14 Nm का टॉर्क है, और 5-स्पीड गियरबॉक्स सेटअप के साथ ये आ जाता है। तो इंजन जो है वो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मतलब फ्यूल इंजेक्शन के साथ मिल रहा है, जो कि एक अच्छा बात है। और माइलेज भी आपको फ्रेंड्स इसमें यहाँ पे लगभग में 45-50 के अप्रॉक्स में देखने को मिलेगा। आप अच्छे से राइड करेंगे, टाइम टू टाइम सर्विस वगैरह करवाएंगे तो माइलेज ही आपको अच्छा खासा डिलीवर कर देगा। टैंक यहाँ पे काफ़ी मस्कुलर लगता है, डुअल टोन कलर्स का यूज़ किया गया है, एक्सट्रीम 160R की बैजिंग है। और टैंक में ऊपर में फ्रेंड्स यहाँ पे जो है आप देख पा रहे होंगे मैट टाइप का जो है वो फिनिशिंग वर्क किया गया है। बाकी यहाँ पे कुछ ऐसा लुक्स आता है इसके टैंक का। साइड में यहाँ पे फ्रेंड्स आपको गियर्स दिख जाएगा। ओपन चेन सिस्टम के साथ ये बाइक आती है, और यहाँ पे आप अगर हम बात करते हैं तो रेयर में 130x70 का 17 इंच का आपको टायर्स देखने को मिलता है, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पे जो इसका टायर्स है वो रेडियल टायर्स कंपनी आपको ऑफर करती है, जिससे कि मतलब आपका जो वेट सर्फेसिस पर अच्छा खासा ये आपको ग्रिप डिलीवर करेगा। यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स आपको लगा के मिलेगा, जो कि एज एन एसेसरीज आपको परचेस करना होगा। पहले ये नहीं आ रहा था, बट अब आ रहा है। इसका टेल लाइट जो है वो स्मोकी डिज़ाइन में आता है पूरा ब्लैक में, और ये अच्छा लुक देता है बैक से इस बाइक को। इंडिकेटर्स आप देख पा रहे होंगे एलईडी में ही मिल रहा है, और टेल का पोर्शन जो है वो थोड़ा बाहर के साइड में एक्सटेंडेड है। साइड गार्ड आपको लगा हुआ मिल जाता है, और सीट यहाँ पे फ्रेंड्स सीट कवर्स लगाया गया है डुअल टोन में ब्लैक और रेड के टेक्सचर में। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो कुशनिंग वर्क भी किया गया है सीट में, तो काफ़ी अच्छा आपको ग्रिप प्रोवाइड करता है। बाइक काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है 160 सेगमेंट के हिसाब से लॉन्ग राइड्स वगैरह में। फ्रेंड्स आपको बैकपेन वगैरह इसमें फील नहीं होगा। जितने भी अभी राइडर्स लोग मतलब जो भी मेरे फ्रेंड लोग राइड कर रहे हैं उनसे मैंने रिव्यूज़ लिया है इस बाइक का, तो कंफर्ट के मामले में बाइक काफ़ी अच्छी है। 160R की बैजिंग आपको मिल जाती है, ब्लू कलर के ग्राफिक्स का यूज़ किया गया है, और यहाँ पे ब्लैक वाले में आप देख लें पूरा ब्लैक आपको मिलेगा। बस यहाँ पे ग्रे ट्रीटमेंट आपको देखने को मिलेगा, 3D में लोगो मिलेगा आपको एक्सट्रीम 160R स्टिल्थ का, और कुछ ऐसा लुक्स यहाँ पर आता है। बाकी ओवरऑल में ओपन चेन सिस्टम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, और रेयर में डिस्क ब्रेक वाला अगर आप मॉडल लेंगे तो कुछ ऐसा आपको लुक्स यहाँ पर मिलेगा रेयर में। तो रेयर में यहाँ छोटा सा आपको एग्जॉस्ट कंपनी एक प्रोवाइड करती है, जो कि एक स्पोर्टी लुक यहाँ पे देता है, आप इस साइड से यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और ड्रम ब्रेक वाला अगर आप वेरिएंट लेंगे तो रेयर में आपको 130mm का ड्रम ब्रेक मिल जाएगा। किक आपको मिल जाता है फ्रेंड्स इस मॉडल में, जो कि एक काफ़ी प्लस पॉइंट है। ज़्यादातर 160 सेगमेंट की जो बाइक्स अभी आ रही है उसमें किक रिमूव किया जा रहा है, बट यहाँ पे कंपनी आपको किक भी डिलीवर कर दे रही है, मतलब मिल रहा है, तो ये एक प्लस पॉइंट बनता है। यहाँ पे आपको हैजार्ड लाइट का एक डेडिकेटेड स्विच मिल जाता है, जिससे कि चारों इंडिकेटर्स आप एक साथ जला सकते हैं। हॉर्न मिल जाता है, टर्न सिग्नल इंडिकेटर्स यहाँ है, हाई बीम लो बीम और पास का भी स्विच आपको मिल रहा है। यहाँ पर अभी फिलहाल में फ्रेंड्स चार्जिंग का जो ऑप्शन है वो नहीं मिला है आपको। बाकी इस साइड में यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो इंजन किल स्विच, इलेक्ट्रिक स्टार्ट स्विच वगैरह सब आपको मिल जाता है, और इंटीग्रेटेड ही कंपनी प्रोवाइड कर रही है। सिंगल पीस में आपको हैंडल बार मिलता है, और फुल्ली डिजिटल यहाँ पे आपको मीटर कंसोल मिल जाता है। तो कुछ ऐसे लुक्स में यहाँ पे इसका मीटर आ रहा है।
बाकी यहाँ पे ओवरऑल में फ्रेंड्स है कि ये था फ्रेंड्स यहाँ पे छोटा सा वॉक अराउंड इस बाइक का। अगर सस्पेंशंस की बात करते हैं तो रेयर में आपको मोनोसॉक्स कंपनी प्रोवाइड कर दे रही है, तो कम बजट में अगर आप चाहें तो इस बाइक को एक बार चेकआउट कर सकते हैं 160cc सेगमेंट में। पावर फिगर्स भी अच्छा मिल रहा है, माइलेज भी आपको अच्छा डिलीवर कर देगा, साथ के साथ लुक्स भी आप देख पा रहे होंगे। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा कलर जो है वो ज़्यादा अच्छा यहाँ पे लगा है, ब्लू वाला ज़्यादा अच्छा लगा या फिर ब्लैक वाला ज़्यादा अच्छा लगा या फिर रेड वाला। अगर आप मुझे यहाँ पे पर्सनली मेरे फेवरेट की पूछे तो मुझे रेड कलर वाला ना ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, क्योंकि इसका लुक्स जो है ना वो काफ़ी अच्छा आता है और रोड प्रेजेंस भी आपको अच्छा खासा मिलने वाला है इस बाइक से। तो ओवरऑल में ये था फ्रेंड्स एक यहाँ पे छोटा सा रिव्यू ऑल न्यू एक्सट्रीम 160R का। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में यही था, तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।